ये देखिए, ये छोटा सा पतरे का रूम है, पतरे का रूम है और यहाँ दो से तीन लोग रहते हैं। काली मैडम अलग है, गोरी मैडम अलग है। दोस्तों ये है इनका किचन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान जंगल है, एकदम वीरान है। और इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ जंगल में लोग बकरी के काम में या ऊँट के काम में कैसे लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, कैसा रूम होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, उनका काम कैसा होता है, सब कुछ आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, ये सामने ये होता है मजरा, इस बार बोलते हैं इसको, मजरा भी बोलते हैं। ये होता है, यहाँ ऊँट रहती है, बकरियाँ रहती हैं, सब कुछ, और यहीं लोग रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज दिखाने वाले हैं बकरी में लोग रहते कैसे हैं और बकरी का काम कैसे करते हैं। ये देखिए, बकरी का चारा लेके जा रहे हैं बकरी को डालने के लिए। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये बकरी है। सब अलग अलग रहती है, सबका डिपार्टमेंट अलग है। ये सफ़ेद वाली है, ये इधर काली वाली है, सब अलग अलग ही रहती है। क्या चीज़ है ये शाहरुख खान भाई? ये अपने लोग जैसे गुंडा बोलते हैं ना, तो इसको सुअर बोलते हैं। सुअर, ये जौ? जौ जौ नहीं है, जौ अभी बाकी है। ये दिखाते, ये सबको अलग अलग कहाँ रखा है? ये काली वाले को अलग, मतलब एक साथ नहीं रह सकते नहीं। ये सफ़ेद वाले अलग हैं? हाँ, काली मैडम अलग है, गोरी मैडम अलग है। अच्छा, तो सुबह सुबह कितना घंटा लगता होगा ये सब साफ उफ करने में? डेढ़ दो घंटा। अभी हो गया, साफ हो गया है? नहीं अभी बाकी है। अच्छा, अभी पूरा काम बचा ही है। हाँ। ज्यादा बकरी नहीं है आपके पास? बस थोड़ा ही है। नहीं है, बस ये कब्जा ज्यादा किया है। हाँ। ये रहा दोस्तों, इस तरह से डालते हैं। अच्छा, ये भूसे के जैसा है। हाँ, तो ऐसे ही सूखा खा जाती हैं? नहीं नहीं, इसमें मिलाना पड़ेगा, इसको पानी डाल। ओ, ये रहा दोस्तों, ये भूसे के जैसा है, इसमें पानी मिक्स करेंगे, उसके बाद ये लोग खाएंगे। जो अपने यहाँ जो बरबरैया बकरी कहते हैं ना, छोटे कान वाली, छोटे कान वाली इस तरफ हैं। यहाँ ओमानी बकरी बोलते हैं इसको। ये है, और ये बकरा है सबका बॉस। ये देखिए, और इस तरफ कबूतर है, ये देख रहे हैं। यहाँ कबूतर भी पाल के रखे हैं। ये देख रहे हैं, ये कबूतर, कबूतर थोड़ी सी पाल के रखी है कबूतर, इसमें अंदर सब कुछ है। ये अंदर बंदी रखते हैं इसको, परेशान कर दिया ये लोग। अब इसमें ये देखो, इसमें जौ मिला दिया ना, अब जौ मिला देंगे, उसके बाद फिर पानी। ओ गाइस, ये सामने देख रहे हैं, मेरे सामने है, ये इनका रूम है। ये देखिए, ये छोटा सा पतरे का रूम है, पतरे का रूम है और यहाँ दो से तीन लोग रहते हैं। इतनी सी छत है, ये हाथ से छूने पे मिल जाती है। यहाँ रहते हैं लोग और ये तीन लोग यहाँ सोते हैं, ऐसा होता है रूम, एकदम छोटा सा। और बाकी इस तरफ ये बकरी का जो खाना रहता है, ये है बकरी का, ऊँट का खाना है। सिर्फ कूलर रखा हुआ है, स्टोर रूम है, समझ लो ये कंटेनर स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल होता है यहाँ पे। दोस्तों ये है इनका किचन। ये किचन काफ़ी बड़ा है,
यहाँ फ्रिज वगैरह भी सब कुछ रखे हुए हैं। ये चूल्हा है, उस तरफ चूल्हा है। मैं अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पाँव में जो है बालू बहुत लग गया है। ये अंदर सब सामान रखा हुआ है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी ठंडी का मौसम है तो यहाँ पे सब खेमा लगा हुआ है। इस तरफ जनरेटर का रूम है, वो छोटा सा, ये देख रहे हैं, ये जनरेटर का रूम है और वो बाथरूम है, बाथरूम के लिए यूज़ होता है वो। और हम जब थोड़ा सा इधर आएंगे, ये सामने देख रहे हैं, ये यहाँ तीन ऊँट है, दो छोटे हैं एक बड़े हैं। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा जाएंगे तो वो सामने देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं, ये सब भी इन्हीं के हैं। एक आदमी ऊँट में काम करता है और एक आदमी बकरी में काम करता है, ये रहा। और ये टंकी है यहाँ की पानी वानी के लिए, तो यहाँ से पाइप गई है वहाँ पीने के लिए, बकरी यूज़ के लिए, सब यहीं से होता है, इसी टैंक से। और ये सामने देख रहे हैं, ये खेमा लगा हुआ है। ठंडी का मौसम रहता है तो यहाँ खेमा लगाते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए। अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और लोग यहाँ पे ठंडी के मौसम में खेमा लगाते हैं जंगलों में जाके। कोई परमिशन लेके नई जगह पे लगाता है या किसी के पास मजरा है पहले से तो वो वहीं पे लगाता है। और वहाँ का सीन कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने देख रहे हैं, ये छोटा खेमा है। यहाँ नॉर्मली ऐसे बैठने के लिए कुछ भी ज़मीन में नहीं रहता है, ऐसे ही यहाँ बालू रहता है, सिर्फ बालू में बैठने के लिए यहाँ सब कुछ बना देते हैं। थोड़ा सा घेर घार देते हैं हवा के लिए कि हवा ना लगे। और ये देखिए, ये यहीं पे आग जलाते हैं, चाय पीते हैं और वहाँ ऐसे ही बालू में बैठते हैं, ऐसे ही बगैर कुछ बिछाए। और जब इसके बाद आते हैं ये, यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। ये वाला देख रहे हैं, ये बड़ा खेमा है, यहाँ पार्टी वार्टी करने के लिए लगा दिए हैं। जब खाना आता, बाहर से खाना भी मंगाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं ये लोग आग जला के, तो इसमें खाना वगैरह खाते हैं। और नॉर्मली बैठने के लिए जब कोई आता है तो नॉर्मली बैठने के लिए यहाँ ये वाला यूज़ होता है। ये काफ़ी बड़ा अंदर से, अभी अंदर बंद है तो अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, तो मैं बाहर से ही थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर का सीन कैसा होता है। ये देखिए, अंदर का सीन कुछ ऐसा होता है। अंदर चिमनी लगी है, बाकी किनारे किनारे सब बैठने के लिए सोफा लगा है। ये देखिए, सामने से कुछ ऐसा दिखता है। और बाकी जब शाम को यहाँ जब खुले में बैठने का मन होता है तो ये यूज़ करते हैं ये लोग, ये वाला थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं चढ़ के। और ये बाथरूम है इन लोगों के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बाथरूम है, यहाँ बना दिया है। ये देखिए, यहाँ आगे हाथ धोने वाला है, पीछे बाथरूम है और ये हाथ धोने के लिए यूज़ होता है। इसी में टैंक है, इसी में नल चालू कर देते हैं। यहाँ साबुन रखा हुआ है। नीम का पेड़ है दोस्तों, ये देखें, ज़बरदस्त। दोस्तों ये लोग खेमे के साथ साथ ना किचन भी बनाते हैं, तो ये शायद, ये देख रहे हैं ना, ये शायद किचन हो सकता है। तो मैं इसको खोलता हूँ धीरे से। ये किचन है दोस्तों इन लोगों का, ये खेमा के साथ साथ यहाँ चाय वगैरह बनाने के लिए, गर्म करने के लिए या पानी वगैरह रखने के लिए यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं किचन टाइप का। चलो इसको बंद कर देते हैं। मुझे तो यही देख के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये रूम में। अभी तो ठंडी का मौसम है, लोग रह लेते हैं,
लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग यहाँ कैसे रहते हैं, इतने छोटे से रूम में कैसे सरवाइव करते हैं, मुझे तो यही सोच के टेंशन हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग मजबूरी के लिए या कुछ भी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग रहते हैं यहाँ पे। के बेचारे यहाँ सब बकरियाँ आ गई हैं, ये देखो बड़े बाल वाली सब बकरी है। चले शाहरुखान भाई, चलता हूँ, हाँ करो आप काम अपना। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर में, तो यहाँ से निकलते निकलते मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं कौन सा पक्षी है बत्तख के साथ में रहता है, समझ में नहीं आ रहा है ये। और यहाँ तीन चार बत्तख भी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सामने सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि, ये देखिए सब लोग मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, इसी वजह से सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।